एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। सो आज मदर्स डे है और मम्मी कैसा है जो हम लोग को सब कुछ सिखाते हैं, छोटे से बड़े करते हैं। मम्मी के बिना हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है। मम्मी सब कुछ सिखाता है हम लोग को। अभी जब मैं माँ बनी, मदरहुड भी एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। और क्या बोले, मम्मी के लिए कुछ वर्ड निकलता ही नहीं है, सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ। सब कोई शायद खुद फील कर सकते हैं, लेकिन मम्मी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। एंड इस मदर्स डे में मैं अपनी मम्मी को बस मम्मी का गुड हेल्थ और बस वही मम्मी अच्छे से रहे वही सब प्रे करूँगी, क्योंकि मम्मी का हेल्थ अभी ठीक नहीं है। मम्मी अभी हॉस्पिटल में है, एक्चुअली उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सो इसलिए ही मम्मी जानती है कि मम्मी के लिए हम लोग क्या है और हम लोग के लिए मम्मी क्या है। सो बस वही। और बात है मेरे बच्चों का, क्योंकि कुही तो बहुत छोटी है, वो तो कुछ बोल नहीं सकती है। लेकिन पाही मुझे सुबह ही उठी थी एक बार, वो 5 बजे करीब, तो उसका पापा ने सिखा दिया कि मम्मी को मदर्स डे विश करो, तो उसने विश कर दिया मुझे। सो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत एहसास है ये चीज़। सो बस वही। तो ज़्यादा मैं बात करूँगी तो ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। और जितना भी मम्मियाँ हैं इस दुनिया में, सबका मैं भी आशीर्वाद चाहती हूँ। और मैं भी सबको यही बोलना चाहूँगी कि सब कोई ठीक रहे, अच्छे से रहे, हमेशा खूबसूरत बनती रहे और हम लोग हमेशा हम लोग का वैसे ही ख्याल रखते रहे, चाहे हम लोग शादी करके कहीं और चले जाए या फिर घर पे ही रहे। सो बस वही। तो चलिए, आज मैं अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, मैं आज जल्दी उठी हूँ। सो मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। सो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर और बातें करेंगे आप लोग के साथ। स्वागत है मेरे किचन में। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी लच्छा पराठा और राजमा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने आटा गूंद लिया, जैसे हम लोग रोटी का आटा गूंदते हैं ऐसे ही आटा गूंद ले। उसके बाद लोई थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए, जैसे कि पराठे का बनाते हैं, ऐसे ही बना के अच्छे से फर्श पे मैंने थोड़ा सा आटा छिड़क लिया। उसके बाद रोटी जैसा अच्छे से एक बड़ा रोटी बेल लिया। उसके बाद मैं इसमें तेल लगाऊंगी। आप तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसको चम्मच से थोड़ा सा हाफ चम्मच मैं तेल लेके इसमें दे दी हूँ। उसके बाद उंगलियों की मदद से अच्छे से पूरा रोटी के ऊपर इसको तेल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर तरफ इसको फैलाना है। उसके बाद थोड़ा सा आटा या मैदा, मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें छिड़क के इसको भी अच्छे से रोटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद होता है उसका फोल्डिंग पोर्शन स्टार्ट। फोल्डिंग आपको ऐसे करना है, पेपर फोल्ड जैसे होता है ऐसे ही करना है। एक बार अगर सीधा तरफ कर रहे हो तो दूसरी बार उल्टा करना है। अगर आप मेरे हाथों की तरफ ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अभी मैं सीधा करूँगी। ठीक इसी तरह आपको फ़ोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके जब ख़त्म हो जाएगा उसको भी करके अच्छे से थोड़ा सा हल्का प्रेस कर दे, करके फिर से इसको अभी गोल बनाना है, जैसे कि आटे का लोई होता है ऐसे ही बनाना है। तो एक तरफ से इसको उंगलियों की मदद से बैंड कर दे, उसके बाद इसको उंगलियों की मदद से प्रेस करते करते एक गोल सा लोई बनाना है। और लास्ट वाला जो पोर्शन बचेगा उसको अच्छे से हल्का प्रेस करके अंदर की तरफ करके उंगली हाथों के बीच वाले हिस्से का इस्तेमाल करके प्रेस कर दे अच्छे से। ये देखिए, ठीक इसी तरह सारे लोई मैं बना लूँगी अच्छे से। ये देखिए और एक बार कि कैसे करना है। ये देखिए, अंदर की तरफ करके अच्छे से प्रेस करके इसको हर लोई को ऐसे ही बनाने हैं। बनाने के बाद मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। हर लोई मेरा बन गया है। अभी मैं बीच में थोड़ा सा आटा छिड़क दूँगी। आटा छिड़क के एक लोई लूँगी, हल्का सा प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। जैसे ही हम लोग रोटी बेलते हैं वैसे ही करना है। ये देखिए, थोड़ा सा आटा लेके अच्छे से आप उसको बेलना स्टार्ट करिए, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसका जो आपको दिख रहा है, ये जो गोल गोल बनाए थे हम लोग, देखिए कितना अच्छे से ये पार्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक तरफ दिख रहा है। तो ऐसे ही मैं हर रोटी को ऐसे ही बेल लिया। उसके बाद मैं अभी इसको सेकना स्टार्ट करूँगी।
सेकने के बाद पूरा खुल जाएगा ये। मैं थोड़ा एक तवा दे दी हूँ, तवा जब गर्म हो गया है इसमें रोटी दे दिया। रोटी थोड़ा सा जब बबल इसमें आना स्टार्ट हो गया तब मैं इसको उल्टा करके तेल में दे दूँगी। आप घी भी दे सकते हो। ये देखिए अच्छे से मक लिया मैंने तेल को, अभी उल्टा कर देती हूँ। ये देखिए आपको अभी से दिखाई देगा इसका परते खुलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, और आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो लोई बना के आधा घंटा रख दे, उसके बाद बेलना स्टार्ट करें। मेरा पराठा बन ही गया है। अभी मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखिए बन गया है। अभी जस्ट मैं राजमा ले लिया, अभी खाऊंगी इसको। चिपका हे गाइस, मैंने नहा लिया। नहा के मैं अभी सोचा कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद मैं एक गाना गाऊँगी जो कि मदर्स डे स्पेशल होगा, और मैं उसको सोशल नेटवर्किंग साइट में भी डालूँगी, अपलोड दूँगी। तो आप लोग भी अगर मुझे फॉलो करना चाहोगे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं रेडी होके आती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ, एक गाना शेयर करूँगी।
हे गाइस, गाना गाने के बाद मैंने सोचा था मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा बात करूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाई क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हो इतना ज़्यादा हवा चल रहा है बाहर। मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ इससे आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे कि बाहर क्या हो रहा है, और ऊपर से मुझे डर लग रहा है कि मेरा हस्बैंड गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए हैं और वो बाहर गए हुए थे मेडिसिन लाने, तो इसीलिए वो जैसे तैसे पहुँच गया है सोसाइटी के अंदर लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है बाहर। और ऊपर से वो जो रेड कलर वाला आपको पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ गिर गया है, वो एक गाड़ी के ऊपर गिरा है, उस गाड़ी का बम्पर भी टूट गया है। अभी सिक्योरिटी सब आने लगे हैं तो मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ और बात नहीं कर पाई। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ क्या हालत है। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ये पूरा सिक्योरिटी गार्ड सब आ गए हैं, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं मेंटेनेंस को ताकि वो उठाया जाए और ज़्यादा उस गाड़ी का वो ना ख़राब हो, तो इसलिए ये देखिए इतना ज़्यादा हवा चला है ना, मतलब भयंकर। तो अभी मैं इसलिए ये वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ, और मुझे अभी घर पूरा साफ़ सफाई करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा धूल धूल हो गया है। तो मैं जाते जाते कुछ फ़ोटोज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ जो कि पाही और कुही का है, क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल था मेरा ये वीडियो, तो बनता ही है मेरा बच्चों का फ़ोटोज़ या फिर मेरा फ़ोटोज शेयर करना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।